वेलकम टू मृदुला सत्येंद्र दुबे चैनल। आज का पहला व्लॉग है मेरा जिसका नाम है सबके लिए रसोई। मुझे जो बोलो, होता क्या है कि खाना बनाना तो सबको आता है और कुछ खाना बनाने के लिए प्रोसेस बहुत फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कभी हमारे पास समय होता है, कभी नहीं होता है, कभी कुछ बाउंडेशन, कभी कुछ दिक्कत। तो मैं सबके लिए रसोई इसलिए बोल रही हूँ ताकि स्थिति कुछ भी हो, खाना बहुत जल्दी और आसान से बन जाए। बिना प्याज लहसुन के आलू मटर की सब्जी जल्दी जल्दी कैसे बनेगी, आइए रेसिपी देखते हैं। तेल गरम करना है। तेल गरम करते ही इसमें हम डालेंगे जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च तुरंत। इसके तड़कते ही इसमें हम कुटा हुआ अदरक डाल देंगे। 2 मिनट इसको भूनेंगे। जैसे ये हो जाए इसमें तुरंत आप डालिए आपका प्याज, सॉरी टमाटर, मेथी। पहला ब्लॉग है, प्याज टमाटर को जल्दी 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 जल्दी, सॉरी प्याज नहीं है क्योंकि ये बिना प्याज लहसुन के है। एक्चुअली पहला ब्लॉग है इसलिए बार बार वही आ रहा है। तो टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने पीस के रखा था उसको मैं भून रही हूँ। जैसे ये भून जाए थोड़ा सा फ्राई होते ही इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी पीस दी है, थोड़ा सा लाल मिर्च कश्मीरी वाला ताकि आपको कलर आ जाए, और अब इसको 2 मिनट भूनना है। ये जैसे ही भून जाएगा इसमें फटाफट आपके कटे हुए आलू मटर डालने हैं और फिर उसको भी काफ़ी अच्छे से फ्राई करना है। ये याद रखिए, ये सब्जी उनके लिए है जिनको बिल्कुल नहीं आता, या तो जिनको आलस आता है, या तो जिनके पास समय नहीं है, या तो घर में छोटे बच्चे हैं जो दिन भर तंग करते रहते हैं और खाना घर पे ही बनाना है। तो बड़े आराम से इस तरीके से जल्दी जल्दी घर में बनाइए, और कुछ गलती हो, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर मुझे बताइए। देखिए ये भून गया है, इसमें तेल भी आ गया है, इसमें तेल अलग हो गया है। अब फटाफट हम इसमें पानी डाल देंगे। दो मिनट के लिए ढक्कन लगाया था, देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब फटाफट आप कोई दिमाग नहीं लगाना है, लगाइए ढक्कन और मारिए आराम से इसमें 2-3 सीटी जितना आपका मन करे। तेज आंच पे है रखिए, नहीं मध्यम आंच पे रखिएगा, 3 सीटी मारने दीजिए। देखिए इसमें से गैस जब पूरा निकल जाए तब खोलना है। और ये रही आपकी आलू मटर की सब्जी, टमाटर वाली बिना प्याज की, जल्दी जल्दी बनानी है मैंने। और ये पूरा स्क्रैच से वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बहुत सारी गलतियाँ होंगी तो देखिएगा, क्योंकि कुकिंग में ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैं पूरा आपको स्क्रैच से बताया है। अब इसमें जो आलू है थोड़ा थोड़ा मैश करने से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये आपकी आलू मटर टमाटर की रसेदार सब्जी तैयार है। अब आप इसे रोटी, पूड़ी, गरम गरम चावल, घी के साथ जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ मृदुला सत्येंद्र दुबे। मेरे पहले वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।